अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और आप सब देख रहे हैं टेक्निकल बिजार्ड। और आज की इस वीडियो का टॉपिक जो है मिले गए यार, हम लोग पबजी जो है एमुलेटर वाले एमुलेटर के लिए ये सही, हम लोग जो पबजी खेलते हैं सही, अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे 60 FPS आए। कुछ लोग कहते हैं हमारे 60 नहीं आए यार, इस वीडियो में जो बताऊँगा ना 55 to 60 तक आपके FPS आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैंने जो तरीका अपनाया वही तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरीको आप अपनाएं और फिर आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारे 60 FPS 60, 58, 59 और ऐसे ऐसे करके 60 मिल जाएंगे आपको। सही है, तो यार बस पूरी वीडियो एंड तक देखनी है। अगर तुम लोगों ने एक स्टेप भी मिस कर दिया ना तो पता है तुम लोग नहीं कर पाओगे, तुम्हारे FPS नहीं आएंगे, फिर तुम लोग कमेंट करोगे कि नहीं यार नहीं आ रहे हमारे। सही है, तो जो है अब तुम लोगों को क्या करना है, सबसे पहला स्टेप तुम लोग के पास अगर गेम लूप है तो यार उसको उड़ा दो फौरन। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गेम लूप में इतनी मसले हैं, इतने के रेंडरिंग प्रॉब्लम, फ्रेम रेट्स ड्रॉप और सब यार, मैं तो ग्लिचेस इतने मसले हैं यार। मैंने जो डाउनलोड करा है टेंसन गेमिंग बडी है यार, मैं तुम लोगों को गारंटी दे देता हूँ इसमें अकाउंट बैन नहीं हुआ, इसमें मैं एक हफ्ता होने वाला है मुझे और मैं इसी में ही खेल रहा हूँ और मेरा अकाउंट अभी तक चल रहा है और यकीन मानो इतना स्मूथ चलता है मेरा गेम प्ले। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, अपना सब गेम लूप उड़ा देना है और गेम लूप उड़ाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, मेरी वेबसाइट पर जाना है। सही है, मेरी वेबसाइट पर जाने के बाद मैंने आप लोग ये देखें टेंसन गेमिंग बडी, सही है 7.1 है ये। सही है, इसको आप लोगों ने यहाँ से ये वाला साइज़, ये जो देख रहे हैं साइज़ 1.37 है, इसको भी डाउनलोड कर लेना है, ये फिक्स लैग जो है ना इसको भी डाउनलोड कर लेना है। सही, ये डाउनलोड करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, जब ये डाउनलोड हो जाए आप टेंसन गेमिंग बडी को इंस्टॉल कर दें। आप अपने गेम लूप को हर जगह से उड़ा देना, आप यूट्यूब पर देख लें बहुत ट्यूटोरियल है, हर किसी ने बताया हुआ है कि हम किस तरह टेंसन को उड़ाएं। सही है, तो जो है टेंसन को उड़ाने के बाद अब आप लोगों ने जो लैग फिक्स पैक है, ये रहा टेंसन का और ये, अब लैग फिक्स पैक को किस तरह इस्तेमाल करना है, आपने टेंसन इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद ये लैग फिक्स देख रहे हैं ना, अब ये पार्क कंट्रोल्स इसको आप 64 bit में इंस्टॉल कर लें। क्विक CPU को भी अब 64 bit पर अगर आपका है तो आप 64 bit, 32 है तो 32 इंस्टॉल कर लें। हाई प्रियोरिटी अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस ये भी मैंने दिया हुआ है, आपने ये कॉपी करना है और जो है इसको आपने जाना है अपने कमांड उसमें, इसको कॉपी करें और यहाँ पे आपने सर्च करना है कमांड, ये यहाँ पे ला के आप इसको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर पर खुलिया, ये इसको यहाँ ला के आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद ये आपका अल्टीमेट परफॉर्मेंस पर चले जाएगा। उसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे पावर ऑप्शंस में जाना है, पावर ऑप्शंस में जाने के बाद इसमें क्लिक करना है चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स, इसमें आप लोगों ने इसको कर देना है अल्टीमेट परफॉर्मेंस, अल्टीमेट परफॉर्मेंस पे कर देना है और उसको ओके कर देना है और सही है। ये करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अपना यहाँ पर जाना है और जो सेटिंग में चले जाना है, सेटिंग में जाने के बाद अब आप लोगों ने गेमिंग में जाना है, ये गेम बार अगर आपका ये देख सकते हैं ये रहा गेम मोड, अगर आपका ऑफ है तो ऑन कर लें और उसकी ग्राफिक्स सेटिंग यहाँ देख रहे हैं ना आप, सही है यहाँ आप लोग देखें ग्राफिक्स सेटिंग, सही है इसको इसमें आप लोगों ने करना है क्लिक करना। अब आप लोगों ने यहाँ पे ब्राउज करना है और अपने एंड्रॉयड एमुलेटर, ये तो कि चाइनीज़ वर्जन है, मैं इसकी आपकी लैंग्वेज भी चेंज करा देता हूँ, इसको भी यहाँ से ओपन कर लेना और इन दोनों को आप ओपन कर लें, इसको भी चाइनीज़ वर्जन वाले को भी और इसको भी, सही है ये मैंने इंग्लिश में करा हुआ है, आपको मैं बताता हूँ इंग्लिश में हम किस तरह इसको करेंगे, सही है लेकिन अभी मैं इसको एंड में बताऊँगा। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सब करने के बाद आप जब भी हाई प्रियोरिटी, यार हाई प्रियोरिटी वाला आपको पता है कि यार इसको जाके इसको कॉपी करें आप रजिस्ट्री एडिटर में जाके इसको, हम पहला स्टेप तो ये, अब मेरा रजिस्ट्री एडिटर वाला काम नहीं करता यार, तो जो है इसमें जा ये पूरा यहाँ पे कंट्रोल ए करके यहाँ पे इस पर जो कॉपी करा इसको प्रेस कर दें। अब एंड्रॉयड यहाँ पे अगर आपका नहीं बना तो एंड्रॉयड एमुलेटर का बनाएं एक फोल्डर, उसमें राइट क्लिक करके एक की बना दें, ठीक है और परफ ऑप्शन के नाम से और यहाँ पे CPU प्रायोरिटी यहाँ पे बना के न्यू करें और की जो है इसको 32 bit की वो बना लें, ये बन जाएगा, इसका नाम आप लोग ये दे दें CPU और उसके बाद इसकी वैल्यू जो है ना आप ओपन करके 3 कर देगा यहाँ पे। तो ये यार मेरा ये तरीका काम नहीं करता है, तो जो है मैं जो तुम लोगों को तरीका बताऊँगा, मैंने रियल टाइम इसको हम पावर उसमें करेंगे विंडोज़ पावर शेल में, ठीक है वो कोड जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको, तो आप वहाँ से जाके उसको कॉपी करिएगा और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने विंडोज़ पावर और उसको पावर शेल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है और वो कोड जाके उसमें पेस्ट करना है और
एंटर कर देना है, सही है। उससे क्या होगा, आपका एमुलेटर रियल टाइम पे चले जाएगा। अभी आप देखें मेरा एमुलेटर ऑन है और अभी आप देख सकते हैं साइड में 58 FPS ही मुझे दे रहा है, सही है, 57 58, और मैं गेम भी खेलता हूँ 60 भी आ जाते हैं मेरे, सही है। तो जो है यहाँ तक आप लोग करने का, और जब याद रहे जब आप गेम कर रहे हो, सही है। और हाँ, एक मैंने स्टेप्स मैं आपको बता देता हूँ, जब जिस PC पे राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करें और एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक करें, एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस पे करें, सही है। और उसके बाद ये शो थंबनेल इंस्टीट्यूट ऑफ आइकन, इस पर क्लिक करके ओके कर दें और इसको भी ओके कर दें, सही है। इसके बाद आप लोग अपना PC को रीस्टार्ट कर लें, सही है। और जो मैंने आपको दो एप्लीकेशन है, CPU पार कंट्रोल और CPU, इन दोनों को आप अपने यहाँ पे बैकग्राउंड में रन कर लें। रन करने के बाद आप अपने एमुलेटर की सेटिंग दिखा देता हूँ मैं, ये सेटिंग आप लोग एमुलेटर की कर लें, सही है। मेरा तरीका यार ये देखें, ये आप अच्छी तरह से इंजन में आप लोग आने के बाद ये देख लें, ये मैंने सेटिंग करी हुई है, सही है। आप लोग आराम से आपकी जो सेटिंग है आप लोग वो कॉपी करें सारी, सही है। एंटी अलाइजिंग अल्टीमेट कर दें, मेमोरी, ये अगर आपका प्रोसेसर कितने फुल कर दें, और रेजोल्यूशन आपकी जितनी मैक्स दिखा रहा है उतनी कर दें, सही है। जैसे DPI 160, और यहाँ पर अपना प्लेबैक और रिकॉर्डिंग, सही है। और गेम में आने के बाद यहाँ मैं अल्ट्रा 2K पे, और अगर आपके पास 60 हर्ट्ज़ से ऊपर का मॉनिटर है तो जो है आप 90 फ्रेम रेट्स रखें, वरना तो आप 60 रखें और स्मूथ कर दें, यहाँ से आप 720p कर दें, सही है। तो जो है आप सेव कर दें, इसको सेव करने के बाद अब आप लोग देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें मेरा गेम यहाँ पे यार। अब मैं आपको अभी मैं इसको गेम भी करके दिखा देता हूँ कि कितना ये स्मूथ चलता है। तो यार मैं आ गया अपने जो है पबजी में। अब आप लोग देखें, मैं आपको आपके पास फ्रेम रेट्स मैं आपको शो करा देता हूँ, मैंने अभी बंद करे हुए फ्रेम रेट्स, तो जो है मैं आपको फ्रेम रेट्स शो करा। तो यार अब अगर तुम लोग देखो तो तुम लोग को फ्रेम रेट्स शो हो रहे होंगे ऊपर, देखो यार मेरे फ्रेम रेट्स देखो आप लोग कितना है, 57 और जो है 55 यार, मतलब 55 57 60 भी हो जाएंगे, इससे कम आपके जो है फ्रेम रेट्स आएंगे ही नहीं यार। देखो 57 55 54 इस तरह से हो जाएंगे यार, 50 से कम नहीं जाएंगे। तुम लोग देखो और तुम लोग जब गेम खेलते रहोगे तो तुम लोगों के ये फ्रेम रेट्स बढ़ते रहेंगे, कम नीचे, लेकिन यार बता रहा हूँ 50 से कम नहीं होगा। अब आप तुम लोग मेरे फ्रेम रेट्स देखो मेरे फ्रेम रेट्स कितने, 58 59, सही है, इतना जा रहा है। तो यार तुम लोगों का भी इसी तरह से जाएगा, और 60 फ्रेम रेट्स यार ऐसा नहीं है किसी को कभी मिलते हैं, भैया बहुत कम मिलते हैं 50-60 फ्रेम रेट्स, लेकिन जो है ऐसा नहीं है कि 60 पे आके अटक जाए, वो ऊपर नीचे होता रहता है, कम ज़्यादा इस तरह से ये होता रहेगा। तो जो है आप लोगों ने देखा यार इस तरीके को अपना, और गेम प्ले भी काफ़ी स्मूथ चलेगा यार, क्योंकि इस वाले एमुलेटर पे गेम प्ले बहुत स्मूथ चल रहा है मेरा। तो जो है तुम लोग ज़रूरी वाला तरीका अपनाना और मुझे बताना कि तुम लोग का गेम प्ले कैसे इंप्रूव हुआ है, या और तुम लोगों का क्या कहते हैं फ्रेम रेट्स तुम लोग को मिले, और लैग वैग यार इसमें कोई ग्लिचेस, कोई बग्स, कोई लैग्स कुछ भी नहीं है, सही है। तो तुम लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि यार हमारे लैग वैग सब खत्म हो गया है, तो सही है। उम्मीद है तुम लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए ट्रिक के साथ। अपना बहुत ध्यान रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़।